ये है 50-60 किलोस का मिक्सर, और ये भैया का हम लोग यहाँ पे अभी मिक्सर सेटअप करके भैया को चला के दिखा रहे हैं। और भैया आप कहाँ से आए थे? राजस्थान से डिस्ट्रिक्ट से सिरोही से आए हैं। जी। तो हम आपके सामने इसको अभी देखिए, हमने चालू कर दिया है मिक्सर को। एक बार आपको एक बार हमने अभी रन करके दिखाया था। जी हम लोग यहाँ पे इसका पूरा बैच बनाने जा रहे हैं, आपकी ही फॉर्मुलेशन से सेट किया गया है, तो हम इसको पूरा आपको बना के दिखाएंगे। और ये जो मिक्सर है ये 50-60 केजीज आराम से 1 घंटे में बना देगा, सॉरी 1 बैच बना देगा। 1 घंटे में आराम से मान के चलिए कि ये 200 से 300 केजी माल बना देगा। और ये अभी हमने इसको पावर दे दी है, और अभी बैच बनेगा, मैं आपको आगे वीडियो दिखाऊंगा। और ये पूरा भैया के सामने हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, सारा माल भैया के फॉर्मुलेशन के हिसाब से तौल रहे हैं और लाइव बना के दिखा रहे हैं। इसके बाद ये मिक्सर भी चला के और फाइनल प्रोडक्ट भी हम आपको बनाएंगे और टेस्टिंग करके दिखाएंगे। आज जो भी काम करेंगे ये सब मिक्सर में करेंगे हम लोग। और ये देखिए फैक्ट्री है हमारा ही, नीचे गोडाउन है ऑफिस का, इसमें करेंगे। सारे रॉ मटेरियल यहाँ पे तौल लिए गए हैं एज़ पर द फॉर्मुलेशन, और सब चीज़ें तौल के इस मिक्सर में डाली जाएंगी। अभी ये मिक्सर भैया ने हमारे यहाँ से परचेज़ किया है, और उनके सामने एक लाइव बैच हम बना के दिखा रहे हैं। और ये पूरा मिक्सर चला के भी भैया को दिखाया, अभी फिर से चलेगा, अभी हम सारे व्यूअर्स को भी दिखाएंगे। और ये सारे देखिए स्टॉक रखा हुआ है यहाँ पे रॉ मटेरियल का, और आप भी हमसे ऑर्डर कर सकते हैं रॉ मटेरियल डिटर्जेंट पाउडर बनाने का। आपको भी अगर लाइव डेमो चाहिए तो आप भी आके अपना एक्सपीरियंस ले सकते हैं, पूरी चीज़ आप खुद से देख सकते हैं। भैया आपका फॉर्मुलेशन आपके हिसाब से सेट हुआ था ऊपर लाइव बिल्कुल सर लैब में जो सेट हुआ था, तो हम लोग ने देखिए भैया का फॉर्मुलेशन उनके हिसाब से सेट किया, उसी फॉर्मुलेशन के हिसाब से ही वॉशिंग पाउडर बनाया जा रहा है। और ये मिक्सर देखिए ये SS बॉडी पे है, स्टेनलेस स्टील है ये पूरा। और ये जितना भी आप देखिए, जितना भी बाउल होता है, जहाँ जहाँ पे वॉशिंग पाउडर रहेगा सब SS का रहता है। सिर्फ ओनली जो फ्रेम होता है जिसपे ये टिका होता है वो ये MS का होता है, माइल्ड स्टील का होता है। और मोटर भी इसमें लगी हुई है, कंपनी की लगी है 1 ईयर वारंटी के साथ। बाकी सारी चीज़ें सेट हो रही हैं, अभी माल बनेगा, मैं आपको वीडियो फिर दिखाऊंगा। इसमें कास्टिक SS OT पेस्ट और इसमें फोम बूस्टर, तीन चार चीज़ें मिलाई गई हैं। कास्टिक इसमें डायरेक्ट डाला गया है, पानी भी नहीं मिला के, और इसका देखिए एक घोल बना लिया गया है। ये एक और अच्छा तरीका है कास्टिक को मिलाने का, कास्टिक को आप न्यूट्रलाइज करने के लिए मिलाते हैं। कास्टिक को मिलाने के 2-3 तरीके हैं, लोग पानी में मिला के भी मिलाते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है मिलने में। ऐसे क्या है कि डायरेक्ट मिल जाती है कास्टिक, जल्दी मिल जाती है कास्टिक, और असर भी अच्छा करती है। ये देखिए इसमें कास्टिक मिल गई है, इसमें हम लोगों ने पहले लिक्विड आइटम सारे डाल दिए, फिर बाद में कास्टिक डाल के इसको डंडे से चला लिया है। ये बिल्कुल एक सिंपल प्रोसेस है कास्टिक को मिलाने का, बिल्कुल एक नया तरीका है। ऐसे आप कास्टिक मिला सकते हैं, कास्टिक में जब आप पानी डालते हैं तो फ्यूम्स मारता है, और कास्टिक इसलिए यूज़ किया जाता है कि ताकि ये क्लीनिंग और ये आपका pH वैल्यू को मेंटेन करता है। तो कास्टिक को आप लिक्विड के जैसे AOS डाल लें तो AOS के साथ भी मिला सकते हैं। अगर आपका कोई फोम बूस्टर, आप जैसे हम लोग डालते हैं OT पेस्ट और फोम बूस्टर, तो उसमें भी मिलाया है। और अगर आपको इसमें आप स्टडी में भी डाल के डायरेक्ट कास्टिक भी मिला सकते हैं, और देखिए पानी मिला के भी आप मिला सकते हैं। ये कई तरीके हैं, आप अपने अपने तरीके से इसको कर सकते हैं। ये एक सिंपल तरीका हम बता रहे हैं, इसमें झंझट कम होती है, आसानी से मिल जाता है। अब ये स्लरी ले ली गई है, अब इस सॉल्यूशन को इसमें डाला जाएगा मिक्सर में।
ये पूरा प्रोसेस था स्टेप बाय स्टेप वॉशिंग पाउडर बनाने का, और ये देखिए कितना बढ़िया वॉशिंग पाउडर बना है। अभी ये छनने जाएगा, छनना है इसको अभी, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वॉशिंग पाउडर बन गया है। सर आप सेटिस्फाइड हैं इस वॉशिंग पाउडर से? आपके हिसाब से फॉर्मुलेशन में हिसाब से हुआ है जी, जी। और आपने पूरे स्टेप्स देख लिए कि कैसे बनता है जी। ये आप ही का मिक्सर आपने खरीदा है जी? मैंने खरीदा जी। सर का ये मिक्सर है, सर ने खरीदा है हमारे यहाँ से, और इसमें ही हम लोग सर के हिसाब से ही बना के दिखा रहे हैं। सर आप हमारे ग्राहकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि उनको हमारे यहाँ से पूरी चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या मिला? पूरी चीज़ गारंटी के साथ आपके यहाँ से मिलेगी, मतलब आपको पूरा फॉर्मुलेशन हमने दिया जी, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताया, माल भी आपको बना के दिखा दिया कि मिक्सर में कैसे बनाया जाता है, छोटी मोटी कमियाँ थी सब आपको बता दी कि कैसे सही होती हैं। तो हमने सर को सब चीज़ें बताई हैं, डिटेल में दे दिया है, आप लोग भी आके एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि मिक्सर से माल को ऐसे गिरा लिया जाता है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, और इसके बाद आधे घंटे बाद जब ये ठंडा हो जाता है तो ये केज मिल में डाला जाता है। अगर आप इसको गर्म में डाल दोगे केज मिल में तो केज मिल भी जाम होती है, क्योंकि गर्म माल चिपकता है, ठंडा माल चिपकता नहीं है, फ्री फ्लो हो जाता है। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि पहले आप मिक्सर से सारे अपने बैचेस बना के ढेर लगा लें, और उसके बाद केज मिल करने के बाद फिर ठंडा होने के बाद केज मिल करें, फिर पैकिंग कर लें। दिस इज़ द राइट प्रोसेस कि वॉशिंग पाउडर कैसे बनाया जाए, और आसानी से आप बना सकते हैं। इसको ऐसे छोड़ देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ने के बाद भी ये माल ऐसे ही रहेगा और ये ठंडा हो जाएगा तो और अपना फ्री फ्लो और हल्का हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। तो इसको आप आराम से इसको बाद में केज मिल कर सकते हैं। केज मिल करने से आपका माल और रिफाइंड होगा और अच्छा होगा, केज मिल ज़रूर करें, उसके बाद फिर पैकिंग मशीन में दें। तो ये पूरे केज मिल को ऑन कर दिया है, और ये देखिए वॉशिंग पाउडर जो अभी छना नहीं था उसमें डाला जा रहा है, और देखिए इसमें ऐसे दाने डाले जा रहे हैं, दाने हैं लाल नीले दाने जो होते हैं स्पेकल्स, ये वॉशिंग पाउडर में डाले जा रहे हैं, और धीरे धीरे देखिए बॉडी को ऊपर से खाली किया जा रहा है। केज मिल में एक मिनट भी नहीं लगता है माल को छानने में, आप जैसे ही माल ऊपर डालेंगे देखिए नीचे छान के गिरा देगा, और इसके साथ ही साथ आप ऐसे दाने जो ये स्पेकल्स होते हैं लाल नीले वाले, आप इसको ऐसे डाल सकते हैं ताकि आपका ये पूरा एक साथ मिल जाए, और फिर इसको आप बेलचे से ऊपर नीचे उठा के रखेंगे तो ये हो जाएगा। ये लगभग 50 किलो माल है, अभी दो बोरियों में था 25-25 किलो माल, तो हम लोग उसको छनवा के दिखा रहे हैं। ये केज मिल है जो काम कर रही है और एक सेकंड में ही छान देती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप देखिए इस तरीके से अपने दाने को मिला सकते हैं केज मिल में, ये देखिए दिस इज़ अ राइट वे और राइट प्रोसेस, और इससे आसानी से मिल जाएगा, पूरे में इवनली मिलेगा। तो ये देखिए हम लोग ने ये टेस्टिंग भी की है, ये वाला जो आपके राइट साइड में है ये भैया एक सैंपल लाए थे, ये उसका है प्रोडक्ट 0.1, इसको चेक किया गया है, और साइड वाला हम लोगों ने अभी नीचे पूरा बैच बना के दिखाया है। सर आपके सामने सब कुछ हुआ लाइव, आपने सब कुछ देख लिया, आप इस पूरे प्रोसेस से संतुष्ट हैं? बिल्कुल सर, आपने फॉर्मुलेशन देख लिया, आपने प्रोडक्ट का एंड प्रोडक्ट देख लिया, मशीन कैसे चलती है ये देख लिया, पूरा स्टेप बाय स्टेप देख लिया सर। तो आप बस इतना लास्ट था कि आप हमारे क्या दर्शकों को कुछ बताएंगे हमारे बारे में कि हम लोगों ने आपको जो चीज़ बताई थी क्या वो जेन्युइन थी, क्या वो बिल्कुल रियलिस्टिक थी, स्टेप बाय स्टेप थी, आप यहाँ से सीख के जा रहे हैं? जी, फर्स्ट टाइम मैं आपके पास आया तभी आपने वही बात बताई थी जी, और उसके बाद एक मंथ बाद वापस आपके पास आया जी, सेम वही बात इसी टाइम बताई है जी। आपने सर ये भी बताया था कि आप और भी जगह होके आए मेरे पास, दिल्ली भी गए थे और भी जगहों गए थे जी, तो वहाँ पे आपको क्यों नहीं समझ में आया, मतलब वहाँ पे ऐसा क्या लगा, यहाँ पे क्या फर्क दिखा? फर्क तो सर देखो इसमें कोई समझाने का तरीका भी अलग था उनका जी, और इतनी एकदम परफेक्ट तरीके से नहीं समझा रहे थे जी। तो यहाँ पे आपको जो भी चीज की वैल्यू मिली वो आपको 100% मिली। तो हम लोग इस पर यहीं पे वीडियो को रैप अप करते हैं, हमने आई होप कि आपको कस्टमर एक्सपीरियंस सर्विस दी होगी, मैंने पूरा आपको टाइम दिया ठीक है, और आगे भी अगर जो भी हमारे ग्राहक आना चाहते हैं वो भैया के से आप फीडबैक भी ले सकते हैं, और बाकी हम लोग ये जो वीडियोस करके दिखा रहे हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, मैं हर एक के साथ कोशिश करता हूं कि उनको पूरी गाइडेंस दूं, पूरी बात समझाऊं सिखाऊं, तो आप भी आके अपना फॉर्मुलेशन सेट करा सकते हैं और प्रोडक्ट को सीख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो, हैव अ गुड डे।